हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी भारती। सो या गाइस, जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा टाइम पहले मैंने डिफरेंट इंडियन मेकअप लुक्स ट्राई की थी, जैसे कि मराठी, बंगाली और राजस्थानी। सो बीइंग अ पंजाबी कुड़ी, पंजाबी लुक ट्राई करना तो बनता ही था। तो चलिए आज देखते हैं कि ये मैंने पंजाबी लुक कैसे ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैंने अपना लैक्मे का प्राइमर अपने पोर एरियाज में लगा लिया है। आई मेकअप स्टार्ट करना सबसे पहले तो उसके लिए मैं ले रही हूँ अपना कंसीलर, ये स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर है मेरा, बहुत बार आपने देखा हुआ है। इसे पूरी लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस, देखिए आईब्रो तक पूरा मैंने फैलाया है। और इसे अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, अच्छे से ब्लेंड करना ताकि ये थोड़ा गीला गीला सा ऐसा कुछ टेक्स्चर ना रहे इसका। अब इसको सेट करेंगे तो मेबलिन का बेसिक न्यूड्स पैलेट लिया है, ये लाइटेस्ट शेड क्रीम कलर का लेके मैंने अपना कंसीलर सेट किया है। कोई भी आपको पैलेट में ये बेसिक शेड्स मिल जाएंगे बहुत ईजीली। अब लिया मैंने अपना जेल लाइनर मेबलिन का और थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके मैं क्या घपला कर रही हूँ। सो जी हाँ, ये देखिए मैंने बहुत आराम से, कुछ वो देखना नहीं कि लाइन कैसे जा रही है, किधर को काजल जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, बस आपको ऐसे मोटा मोटा सा अपना जो लाइनर है इसको ड्रॉ कर लेना है। तो सेम पैलेट में से मैंने ये ब्लैक शेड ले लिए, एक्सेस जो था उसको डस्ट ऑफ कर दिया है ताकि गिरे ना इधर उधर। तो जो ब्लैक लिया था उसको ही, उसको मैंने हल्के हल्के हाथ से मतलब स्मज कर लिया है, थोड़ा ऊपर तक नीटली उसको जो मैंने ब्लेंड कर लिया जो अपना जेल लाइनर लगाया था। सो इस तरह करने से एक तो सेट हो जाएगा मेरा लाइनर, फैलेगा नहीं इधर उधर और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो दूसरी आई के पे भी मैंने अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं। सेम पैलेट में से अब मैं ले रही हूँ ये ब्राउन कलर, इसको मैं अब क्रीज के ऊपर लगा रही हूँ। सो जो ब्लैक कलर था उसको हमने क्रीज के नीचे नीचे ही रखा था, बट ये ब्राउन कलर से हम जो है क्रीज की फिनिशिंग कर लेंगे ताकि जो आई लुक है वो प्रॉपर लगे, कहीं से इनकम्प्लीट सा मत लगे। सो जी हाँ, अब चलते हैं इस पैलेट में। क्योंकि मेरा ग्रीन सूट है तो मैंने ये ग्रीन शिमरी शेड लिया है, तो इसे मैं सिर्फ सेंटर में ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगाया। और देखिए कितना बढ़िया शाइन दे रहा है क्योंकि हमने ब्लैक इसका बेस कर दिया था। तो आप गोल्डन, सिल्वर, पिंकिश कोई भी शेड इस तरह से लगा सकते हैं ब्लैक के ऊपर, बहुत अच्छे से निखर के आता है। सो या तो अब मैं फिर से वो ब्लैक कलर ले रही हूँ अपना ब्लैक आई शेडो, इसको सिर्फ कॉर्नर्स में लगाऊंगी ताकि और अच्छे से थोड़ा स्मूथीनेस आ जाए और इंटेंस हो जाए मेरा आई लुक। तो बड़े हल्के हाथ से मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ फैलाऊंगी और थोड़ा सा क्रीज में भी इस ब्लैक को थोड़ा सा फैला लूंगी, जो भी बचा कुछ होगा मेरे ब्रश पे। सेम दूसरी आई पे भी कर लेंगे हम। तो आपका कोई भी कलर का आपका सूट है, साड़ी है, कुछ भी पहन रहे हो, ये मेकअप बहुत जल्दी होने वाला है और सबके साथ चलने वाला है। बस आप सी ग्रीन की जगह कुछ भी अपना जो मैचिंग शेड है ड्रेस का आप उसे अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए अभी आई मेकअप को इधर छोड़ते हैं और चलते हैं अपने फाउंडेशन की तरफ। तो मेबलिन का मैंने फाउंडेशन ले लिया है, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। सो अब मैं क्या करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए अब मैं स्पॉन्ज लिया है छोटा सा और कॉर्नर्स को मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ ताकि जो मेरा आई मेकअप है ना वो विदाउट कोई टेप वगैरह के भी बहुत नीटली लगे साइड से। तो मेकअप सॉरी, ये फाउंडेशन मेरी सेट हो गई। अब कंसीलर मैंने सेम ले लिया अगेन स्विस ब्यूटी का, उसे अंडर आइज लगा रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज, थोड़ा सा फोरहेड पे, चिन पे और इस तरह से जॉ लाइन पे, ताकि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा यू नो चिजल लगे, थोड़ा पतला लगे। सो कॉन्ट्रोल के लिए मैंने लिया मेबलिन वी फेस कॉन्ट्रोल स्टिक, काफ़ी अच्छा शेड है इसका, नेचुरल सा मेकअप होने वाला और नेचुरल शेड ही रहता है ये। सब सारी चीज़ों को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बट मेक श्योर आपका जो आइस के नीचे कंसीलर उसको इस तरह से डैप कर करके, आप देखिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि उसको मैंने फैलाना नहीं है, उसको मैंने वहीं पे सेट करना है। तो इस तरह से डैप कर करके वहीं पे सेट कर रही हूँ। तो इनर कॉर्नर्स में भी आप देखो मैंने स्लो में रखा है यहाँ पे कि मैं अच्छे से उसको सेट करूँ और आप भी ऐसे ही कीजिए। ब्रश की हेल्प से अपना जो कॉन्ट्रोल है उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है ये कॉन्ट्रोल स्टिक। तो डेली लाइफ में भी अब तो मास्क लग जाएंगे, पता नहीं कहाँ यूज होगा। तो चलिए नोज भी मैंने कॉन्ट्रोल कर लिया, थोड़ी सी जॉ लाइन के नीचे भी कर लिया है। अब पूरे जो मैंने कंसीलर यूज़ किया उसको सेट कर रही हूँ मैं लॉरियल का कॉम्पैक्ट लेके, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लीजिए उससे आप सेट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है ये फाउंडेशन। तो जॉ लाइन पे भी कर रही हूँ ताकि एक लाइन बनी रहे। देखिए अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे अपना कॉन्ट्रोल पैलेट लिया हुआ है कैरामेल टॉफी वाला, उससे जो है ये ब्रॉन्जर लिया है, बेसिकली ब्रॉन्जर से मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी ताकि और थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, फिनिशिंग मतलब दिखे अच्छे से कॉन्ट्रोलिंग मेरी। सो सेम नोज, जॉ लाइन सब यहाँ मैंने कर लिया। अब ब्लश लिया मैंने, काफ़ी अच्छा सा ब्लश है ये, कोरल शेड का शुगर का ब्लश है, काफ़ी अच्छा, मुझे शुगर के ब्लशेस बहुत पसंद है। सो हल्के हल्के हाथों से इसे भी लगा लेंगे हम इस तरह से स्माइल करते हुए। सो या इसे लगा लीजिए।
बहुत हल्का क्या जाता है, थोड़ा सा नोज पे और चिन पे भी, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसा लुक। अब बैक टू द आईज गाइज, तो आईब्रो को मैं पहले कॉम कर रही हूँ एक स्पूली की हेल्प से। अब सेम पैलेट ले लिया है मैंने, देखो कुछ ज़्यादा पैलेट्स भी मैंने नहीं यूज़ की इसमें, क्योंकि सिंपल मेकअप रखा कि हर कोई कर सके जो भी कलर्स उनके पास अवेलेबल है। सो ब्लैक ग्रे कलर को ही मैंने मिक्स किया और उसी से ही अपने आईब्रोज फिल कर लिए, और देखिए कितना अच्छा नेचुरल इफेक्ट आया है। अब थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए आईज को मैंने ये ग्रीन कलर का इसेंस का आई पेंसिल है जिसे मैंने नीचे नीचे लगाया, देखो कितना बढ़िया पूरा लुक ही चेंज कर दिया इसने। और कॉर्नर्स में मैंने क्या किया है कि ब्लैक आई शेडो वही सेम मेबलिन की पैलेट से उसी का ही ब्रश लेके मैंने कॉर्नर्स में ब्लैक आई शेडो को थोड़ा सा इस तरह से मतलब ब्राड को निकाले थोड़ा, क्योंकि स्मोकी इफेक्ट भी आए और आईज थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। अब मस्कारा लगा लेंगे अच्छे से कोटिंग करी, और पूरे मेकअप में मैंने कोई भी फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाई हैं ताकि हर कोई नहीं कंफर्टेबल है, तो अगर आपको भी नहीं लगाने आती तो आप छोड़ सकते हैं। अब हाइलाइटर की बारी है, तो स्विस ब्यूटी वाला पैलेट ही लिया है मैंने, आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया इस पैलेट को, थैंक यू सो वेरी मच मेरे रिकमेंडेशन पे से बाय करने के लिए। अब उसी का मैंने हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन पे लगा लिया है फॉर फिनिशिंग टच देने के लिए। अब मेकअप स्प्रे कर लिया है, और स्प्रे के बाद इधर जो हाइलाइटर रह गया है मेरा चीक्स पे, बोन चीक बोन्स पे, नोज पे, फॉरहेड पे, थोड़ा सा चिन पे, बेसिकली आपके हाई पॉइंट्स पे, वहाँ पे भी अच्छे से मैं लगा लूँगी। और देखो स्प्रे करने के बाद कितना बढ़िया इफेक्ट देता है आपका हाइलाइटर, नो डाउट ये हाइलाइटर पैलेट है भी बहुत बढ़िया। अब नायका के मैंने प्लम कलर का लिप शेड लिया, इसमें लिप शेड अगर आपको गाइस पता करना कौन सा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, आप उसे पूछ लीजिएगा। सो थोड़ा सा मैंने इसको, ये क्रीमी है तो मैंने इस तरह से थोड़ा टिश्यू के ऊपर निकाल दिया कि थोड़ा लाइट हो जाए। अब मैंने निक्स का शेड लिया है कांस, आई थिंक ये कांस शेड है। सो अब हेयर रेडी है, सूट पहन लिया है मैंने, ज्वेलरी पहन ली है, अपनी बिंदी लगा ली है, एंड या आई एम रेडी टू मेक पोजेस। और आई होप आपको ये लुक जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये लुक जो है आप ज्वेलरी चेंज कर सकते हैं, अटायर चेंज कर सकते हैं, पंजाबी से आप कोई भी तरह का लुक जो क्रिएट कर सकते हैं। सो या आई होप आपको लुक अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। और का भी ना तो ठीक है, आई होप ये लुक आपको अच्छा ही लगा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।